हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। जी हां दोस्तों, इसका रिजल्ट 2019-20 से रिलेटेड आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसके संबंधित मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस चीज को सुना ना करें, इसको करा भी करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके जैसे और भी भाई बहन हैं, मित्र हैं, उनकी हेल्प हो। आप दोस्तों, जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है, जैसे कि लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग के एग्जाम में धांधली चली है, आप लोगों की जो एमआर सीट है वो बिक गई थी, ऐसा वैसा मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज है, यदि हम बढ़ रहे हैं आगे को कोई प्रोसेस बढ़ा रहे हैं आपका रिजल्ट आने से, दोबारा से आने से रिलेटेड, तो दोस्तों बहुत से कमेंट मेरे पास आते भी हैं कि सर मेरे मार्क्स 82 आए हैं, 85 आए हैं, कोई बोला 80, कोई 78, कोई 76। तो क्यों ना दोस्तों, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाए कि आखिरकार यदि भविष्य में कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपका जो एनालिसिस करने का चांस आता है कि आखिरकार कितने कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स इतने इतने आए हैं या फिर कम भी आए हैं, तो आखिर वो कैंडिडेट कौन कौन से हैं, हमको पता चल सके। तो दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एक बात और बता दूं क्या कि दोस्तों, आपकी स्टडी को देखते हुए, आपका टाइम खराब ना करते हुए, मैंने एक चीज प्लानिंग की है कि अभी जो चल रहा है सो चल रहा है, आप लोगों की स्टडी को भी कंटिन्यू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इन फ्यूचर यदि इसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें और उस एग्जाम को क्रैक करें। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हमने एक चैनल क्रिएट किया है, क्या, स्टडी हेल्प। जी हाँ दोस्तों, स्टडी हेल्प करके हमारा चैनल है, जिस पर आपको यदि विजिट करना है तो आपको जाना होगा कहाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारे YouTube चैनल की लिंक करके है, वहां पर आप क्लिक करिएगा, उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उसमें भी बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्दी वहां पर आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं। अब आप लोगों को मैं एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूछूंगा कि आखिरकार आप लोग कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या आपका मैथ वीक है, क्या आपका इंग्लिश वीक है, क्या आपका रीजनिंग वीक है या फिर आपका हिंदी। क्योंकि अभी मेरे पास डिमांड तो आ ही रही थी बिहार के कैंडिडेट की, सर हम लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस लाइए जिससे कि हम हेल्प कर सकें अपने एग्जाम को क्रैक करने में। हमारा हिंदी रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, लेकिन हम लोगों को उसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आप लोगों की हिंदी की तो आने ही वाली है, बट फिर भी यदि आप और चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। आप उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन के तहत आप लोगों को न्यूज मिलती है, वहां पर बाकायदा हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिरकार आपको कैसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ आपको वहां पर जहां पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। इस चीज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी कि अपनी कमेंट्स करें, अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन दें। आप जानकारी में आपसे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाना, आपका नाम पूछा जाना है एंड इसके साथ साथ आपके एग्जाम की डेट, आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपने कितने मार्क्स गेन किए अपने अनुसार, मतलब कि आपको वो बताना है जो आपने सही सही मार्क्स गेन किए थे आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फुल नेम, आप यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका निकल के आता है एग्जाम डेट, तो आपको सबसे पहले मंथ और फिर यहाँ पे डे और एन ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी के बाद दोस्तों आपको बता दें सारी चीजें रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपको हर एक चीज फिल करनी है, कोई नहीं छोड़ना। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट निकल के आता है शिफ्ट नेम, मतलब कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यदि फर्स्ट में हुआ तो फर्स्ट क्लिक करेंगे और यदि सेकंड में हुआ तो आप सेकंड क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे कर लेंगे तो आपको थोड़े और आगे बढ़ना है, स्क्रॉल डाउन करती हूँ और आपको आना है नीचे। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कितने मार्क्स आए या फिर आपने कितने नंबर का किया, क्या दोस्तों आपने जो पेपर किया था वो कितने मार्क्स का किया था। तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है जो कुछ भी किया हो आपने, आपने जितने मार्क्स किया हो, 50 का, 60 का, 72 का, 70 का, 80 का, आपको सारा डाटा यहाँ पे कर देना है। अब आप लोगों को ये लिंक क्यों प्रोवाइड की जा रही है और क्यों आप लोगों को यहाँ पर ऐसा करना है, तो दोस्तों इसलिए ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक ना हो। यदि आप चाहते हैं कि पब्लिक ना हो तो आप यहाँ पे डालिएगा, आपकी हर एक चीज कलेक्ट हो जाएगी। और आप कमेंट्स बॉक्स में करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं कि मेरा एग्जाम इस डे को था, मेरा नाम जे है, मेरी शिफ्ट जे थी और मेरा मार्क्स इतना आया था। जब दोस्तों आप सारे के सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारे समक्ष एक लिस्ट निकल के आएगी कि आखिरकार इतने कैंडिडेट जे हैं, इनके मार्क्स इस डेट में,
हम डेट वाइज और आपकी शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर सकेंगे कि आखिरकार इस शिफ्ट में इतने कैंडिडेट मतलब कि शामिल हैं और इतनों के इतने मार्क्स आए हैं, अलग अलग तरीके से शिफ्ट वाइज आपके मार्क्स वाइज हर एक चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ताकि हमको हेल्प हो आगे भी। अब दोस्तों, जो हम स्टडी कराने वाले हैं, मतलब कि आप लोगों का जो अभी स्टार्ट होने वाला है हिंदी बिहार दरोगा के लिए, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आपका जैसे एक वीक रहा, एक वीक में हमने जो हिंदी पढ़ी, जो एमसीक्यू लगाए हैं, जो समझा है, उनका आप लोगों का बाकायदा टेस्ट किया जाएगा। मतलब संडे टू संडे हम टेस्ट भी लेंगे, उस टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाएगा। चूंकि मेरे चैनल पर पहले से ही चल रहा है, जैसे हमने वन वीक के समथिंग समथिंग कोई चीज पढ़ी, तो दोस्तों पढ़ने ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता, उसका टेस्ट लेना भी जरूर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पर विनर भी घोषित किए जाएंगे टॉप 10। इसलिए दोस्तों बेहद अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट होने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द। बट अभी मैंने यहाँ पे जो बताया है आप लोगों को, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप प्लीज यहाँ पर करिएगा। और आप लोगों ने दोस्तों आरटीआई लगाई है तो उसका रिस्पांस का वेट करिए, जल्दी आएगी, करीबन वन वीक के समथिंग, हो सकता है वन वीक से थोड़ा और ज्यादा टाइम ले ले। अब उनके ऊपर डिसाइड रहेगा कि आखिरकार आप लोगों की जो आरटीआई है वो कब आ रही है। जैसे आरटीआई आती है, लगता है आपके रीजन पता चल रहा है, आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो ठीक, नहीं तो फिर मैं दोस्तों आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप लोग पूरे इकट्ठा होकर कुछ करना चाहे वो भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें कि घर पे ही बैठ के हम अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, मतलब कि करप्शन के प्रति या फिर धांधली के प्रति, किसी चीज की भी प्रति, आप सेंट्रल या फिर स्टेट, हर एक गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।